दिन खाए अभी भाजपा गया तो हिंदू नहीं है, सब दिन खाए और भाजपा भी सरकार है तो हिंदू हम नहीं है। वही तो हम पूछ रहे हैं कि आप मछली खरीदने आए हैं तो पर्व में खाइएगा तब हिंदू नहीं रहिएगा, ये कह रहा है। हम हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे, मछलियों खाएंगे खाएंगे मछली खाएंगे मुर्गा भी खाएंगे मुर्गा। तो मछली दुकान में खड़ा है से देखेंगे ना, देखियो तो चल गए देखिएगा, अब मन करेगा तब खरीद लीजिएगा। नमस्कार, मैं विनय कुमार, आप देख रहे हैं स्वजन समाचार। अभी मेरी मौजूदगी लखीसराय जिला के फुर्जगढ़ा नगर परिषद के बाजार के बीचों बीच है और इस फुर्जगढ़ा बाजार में एक छोटा सा मछली बाजार है और आप इधर भी देख रहे होंगे और इधर भी मछली विक्रेता दोनों तरफ आपको दिख रहे होंगे। और आपको बता दें कि चल रहा है नवरात्र का महीना और पूरे हिंदुस्तान में एक राजनीतिक सरगर्मी तेज है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का एक वीडियो मछली खाते हुए और भाजपा ने कहा कि नवरात्र में मछली खाने वाला है सनातन विरोधी, तो आज हम उसी का जांच करने आए हैं। इस बाजार में मछली खरीदने वाले क्या सच में है सनातन विरोधी? वो नवरात्र में खरीद रहा है मछली तो क्या वो हिंदू नहीं है? इसी का जवाब आज इस मार्केट मछली बाजार फुर्जगढ़ा में हम ढूंढने आए हैं। से पूछेंगे कि आप मछली यदि खा रहे हैं तो क्या आप हिंदू नहीं है, सनातन विरोधी हैं क्या? जवाब उनसे क्या निकल करके आता है, आप बने रहे स्वजन समाचार के साथ। क्या नाम हुआ बाबू? सोनू कुमार। सोनू कुमार, क्या मछली खरीद रहे हो? हाँ। मछली खरीद रहे हो तो कह रहा है आदमी की जो है सर अभी नवरात्र चल रहा है, नवरात्र में मछली नहीं खाना चाहिए, क्या तुम हिंदू हो या क्या हो? हिंदू हैं। फिर भी मछली खा रहे हो? हाँ। खाना चाहिए? जोर से बोलो। खाना तो नहीं चाहिए। खाना नहीं चाहिए लेकिन खाने का इच्छा है तो खा रहे हो? तो भाजपा वाला एक तरफ कह रहा है कि जो मछली अभी खा रहा है वो हिंदू नहीं है, तुम हिंदू नहीं हो? उसको खाने से जरूर कुछ हो जाएगा। खाएगा? खरीद रहा है? खरीद लिए? तो भाजपा वाला तो कह रहा है कि अभी नवरात्र में मछली खाने वाला हिंदू नहीं है, क्या खा रहा है अभी पर्व में भी? हाँ नहीं तो बोलिए कुछ नहीं। देख लेकिन मैडम कुछ मैडम के पास कुछ जवाब नहीं है लेकिन खा मछली खरीद चुकी है। कुछ लोगों से हम बात करने का करेंगे प्रयास, क्या सच में नवरात्र में मछली खाने वाला हिंदू नहीं है क्या? खा रहा है बिक रहा है, उसके बाद कहा जा रहा है कि जो नवरात्र में मछली खाएगा वो सनातन विरोधी है हिंदू नहीं है, क्या ऐसा सच है? नहीं गलत। अभी मछलियाँ खरीदने आए हैं? नहीं सर। तब हम तो गाड़ी चलाने आए। गाड़ी चला? अच्छा खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? खाने वाला? खाने वाला कोई रोक है? रोकने नहीं है? कोई रोक नहीं? कोई रोक नहीं है। आप क्या भाजपा कह रहा है कि जो नवरात्र में मछली खाएगा वो हिंदू नहीं है, सही में नहीं है? ना ठीक। आए नहीं खाना चाहिए? ना। तो मछली दुकान में खड़ा है से देखेंगे ना, देखियो तो चल गए देखिएगा, अब मन करेगा तब खरीद लीजिएगा। आए मन करेगा तो खरीद नहीं लीजिएगा, अपनी अपनी आजादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होना चाहिए। जिसको खाना है खाए, जिसको नहीं खाना है नहीं खाए। ऐसा तो नहीं ना कि जो खाएगा वो हिंदू नहीं है? बोलिए ना खुल के। हमरा नहीं बोलने आता है। नहीं बोलने आता है? अभी मछली बिक रहा है जी, खरीदने आए हैं। हाँ जी। तो क्या नवरात्र में मछली खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? खाना चाहिए, जिसका जो शोभा देता है वो अपना करता है। करता है? हाँ। लेकिन भाजपा वाला कहता है कि जो नवरात्र में जो मछली खाएगा वो सनातन विरोधी है, वो हिंदू नहीं है। हिंदू नहीं है तो ये बनावट ना, हिंदू कैसे नहीं है? हिंदू कैसे? सब दिन खाए अभी भाजपा गया तो हिंदू नहीं है? सब दिन खाए और भाजपा भी सरकार है तो हिंदू हम नहीं है? वही तो हम पूछ रहे हैं कि आप मछली खरीदने आए हैं तो पर्व में खाइएगा तब हिंदू नहीं रहिएगा, ये कह रहा है। हम हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे। मछलियों खाएंगे? खाएंगे मछली खाएंगे मुर्गा भी खाएंगे। मुर्गा भी खाइए जी, हिंदू भी रहिएगा। पनीर भी खाएंगे, दूध भी खाएंगे, जो इच्छा होगा सब चीज खाइएगा। हाँ जी। और मछली खरीदिएगा जी, हमारा इच्छा है जो मर्जी वो खाएंगे, जो खाइएगा। नाम क्या हुआ? नाम सुमन। कौन कहते हैं? कुर्मी। कुर्मी है। खरीदना है मछली? हिंदू है? हाँ हिंदू है। नवरात्र है? नवरात्र है।
रोज खाते हैं कि कम खाए क्या दिन में खाते हैं? एक बार हफ्ता में एक बार, महीना में चार बार, महीना में चार बार। आज कौन दिन है? आज हो गया शुक्रवार। शुक्र के ज्यादा खाते हैं? हाँ, शुक्र और संडे। संडे जी। तो देखे की सुन रहे हैं क्या कह रहे हैं, ऐसे ऐसे और लोगों से बात करेंगे। और ये मछली यहाँ पे देख ले की सामने में बिक रहा है कि खरीद के ले जाएंगे और घर में तल के खाएंगे और खिलाएंगे बच्चे को भी। बच्चे को भी खिलाएंगे। तो भाजपा वाला कहेगा कि हिंदू नहीं है। कहने से नहीं होगा, हिंदू है और हिंदू रहेंगे और हिंदू थे पहले भी। पहले भी मछली खरीद रहे हैं जी। ये जान रहे हैं कि अभी पर्व चल रहा है? क्या चीज का पर्व? दुर्गा पूजा चल रहा है, है।, है। मोदी जी और भाजपा कह रहा है कि जो अभी खा रहा है वो हिंदू नहीं है। आप हिंदू नहीं हैं? नहीं, हिंदू हैं। हिंदू हैं। मछली खाना आपका अधिकार है? नहीं, नहीं। मछली खा लेने से वो हिंदू नहीं रह जाता है क्या? नहीं, नहीं, तो ऐसा भी है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। यानी आप खाना आपका राइट है, खा लेते हैं ना? इसे कहीं हिंदू धर्म भ्रष्ट नहीं होता? हम ये सिर्फ पूछ रहे हैं, खाने की आजादी अपना अपना चेष्टा है ना? आप हिंदू हैं ना? हिंदू तो हिंदू है, ये खा रहे हैं मछली, आपकी आजादी। खाने से हम मना ही या ये कुछ नहीं कि मछली खा रहे हैं ना आप? खरीद लिए, कितना खरीदे? आधा केजी। आधा केजी। जाइएगा आप, तलिएगा और खाइएगा। लेकिन नहीं खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। खाने वाले की मनाही भी तो नहीं है? नहीं, तो बात सही है। ये अभी मछलियाँ खरीदने आए हैं क्या? हम भी तो खरीद रहे हैं। खरीद रहे हैं। तो भाजपा वाला हल्ला कर रहा है कि जो मछली खा रहा है वो हिंदू नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? हिंदू है। कितना खरीदिएगा मछली? मूड बढ़ा लिए? हाँ, एक के जी के लगभग। एक के जी के लगभग। अच्छा, ये चीज जो किसी के खाने पीने पे पहनावा पे यदि कोई आरोप लगाए तो ये बढ़िया बात है या सही है? नहीं, तो कहानी खाना खाना पहनना ये अपनी आजादी होनी चाहिए। इससे हिंदू और मुसलमान हो जाना, सनातन विरोधी हो जाना कहीं से सही है? तो क्या भाजपा सही कह रही है गलत कह रही है? सही के हिसाब से सही कर रहा। क्या कि नहीं खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। फिर नहीं खाना चाहिए? आप भी हिंदू हैं और उसके बाद जो है सो खरीद रहे हैं, उसके बाद खाने के लिए खरीद भी रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि नहीं खाना चाहिए। ये कौन बात बोल रहा है आप? अब क्या करिएगा, अपना अपना चॉइस होता है। चॉइस रहना चाहिए, चॉइस की आज़ादी रहनी चाहिए ना? वही तो, चॉइस रहनी चाहिए जी। लेकिन कह रही है भाजपा सही, ये भी बोल रहा है, कह रही है सही, लेकिन ये खरीद करके ले जा रहे हैं और घर में खाएंगे। भाजपा कह रहा है मछली खाने वाला हिंदू नहीं है। तब नहीं लेंगे सर। तब नहीं लीजिएगा? नहीं लेंगे। ये हमको मालूम नहीं था सर। तो यहाँ इतना देर पे चक्का काट रहे थे? हमको मालूम नहीं था। मालूम नहीं था? नहीं नहीं। कह रहे हैं कि ये सूर्यगढ़ा नगर परिषद का मछली बाजार है और कितने हिंदू और कितने सनातन विरोधी इस मछली बाजार में खरीद रहे हैं मछली और घर में जाकर के बनाएंगे। क्या भाजपा सच कह रही है कि नवरात्र में मछली खाने वाला सनातन विरोधी है या क्या है? क्या आम इंसान को खाने और पहनने की अपनी इच्छा और उनकी स्वतंत्रता होनी चाहिए या उस पर लगनी चाहिए अंकुश? ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप। बने रहे सजन समाचार के साथ। नमस्कार।